हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और आप अगर इस वीडियो के माध्यम से मुझसे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का करिए, बेल आइकन को भी पक्का दबाइए। प्लस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की लिंक मिल जाएगी, जिस पे जाकर के आप फॉलो करिए एंड ज्वाइन करिए ताकि आपको जब भी मैं लाइव मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स की जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसमें बाई या सेल करना चाहिए या फिर कुछ अपडेट मैं शेयर करता हूँ तो उसको आप देख सको और उसका फायदा उठा सको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ओके, और ये जो प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो होता है ये मैं डेली अपलोड करता हूँ ताकि आपको ये बता सके कि कल आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी चाहिए और उससे आप अपना नॉलेज बढ़ा सको। ये कोई टिप या फिर एडवाइजर नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि आपको टिप्स देने के लिए होता है। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपका आपको टिप्स दी जाए, इस वीडियो का उद्देश्य है आपका नॉलेज बढ़ाया जाए ताकि आप खुद की एनालिसिस करके कुछ अच्छा ट्रेड निकाल सको। प्लस ये जो प्री मार्केट का वीडियो होता है इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये देखना समझना और बहुत जरूरी है, क्योंकि हाउ टू अंडरस्टैंड प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, मतलब कि जो प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो होते हैं उनको आप कैसे देख पाओगे उसको बहुत समझना जरूरी है, मतलब इनको देख करके कैसे समझोगे आप वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ सके, क्लियर। चलिए तो अब मैं शुरू करता हूँ कि मंडे तो हमने ट्रेड किया, आज छुट्टी मुहर्रम की और कल फिर से मार्केट चालू, परसों फिर छुट्टी, परसों आपका नहीं, परसों छुट्टी नहीं है, परसों चालू है 11 अगस्त रक्षाबंधन है। ओके, बट मेरी तरफ से छुट्टी होगी, ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ मैं, मतलब भाई रक्षाबंधन है ना तो छुट्टी तो करना ही पड़ेगा। मार्केट बंद है तो इसका मतलब भी थोड़ी है, मतलब मार्केट चालू है तो इसका मतलब भी थोड़ी कि हम भी चालू रहेंगे, हम बंद रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, अपनी बहनों के पास जाएंगे, राखी बनवाएंगे और उसको एंजॉय करेंगे। ओके, मार्केट तो हमेशा चलता रहता है। चलिए सो अब हम शुरू करते हैं कि कल के दिन में यानी वेनेसडे के दिन हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि होगी 10 तारीख, क्लियर। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो निफ्टी का अगर मैं आपको डेली ट्रेंड पे लेके चलूँ तो डेली पे अभी भी ये निफ्टी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को पार करके डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर आ करके टिक रही है, जो कि एक अच्छी बात है, उसको बोलते हैं साइन ऑफ बुलिशनेस, ठीक है। चलो अब हम इसको चलते हैं 4 घंटे में, तो 4 घंटे में अगर हम चले, अच्छा डेली पे भी हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि डेली पे और चीज़ क्या है। ओके, देखिए इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि यही मार्केट जाएगा, मेरा कोई भविष्यवाणी करने का इरादा नहीं होता, मैं जो भी होता है वो आपको बता देता हूँ, उसके बेस पे आपको ट्रेड लेना है, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी कि आप ट्रेड लेते हो तो आपका गलत भी होगा या फिर सही होगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं जो दिख रहा होता है वो मैं आपको बताता हूँ बस। ओके, उसको मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अभी वो करीना कपूर वाला मत समझ लेना मैं तो समझा रहा हूं आपको। चलिए यहां पे देखिए, ये जो आपका है ना एक, ये ऐसे ये है आपका क्या है, एक सप्लाई जोन है। अब इस सप्लाई जोन की अगर मैं स्ट्रेंथ देखना चाहूं तो क्या ये बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन है। ओके, तो इसको कैसे समझेंगे, 12 अप्रैल 13 अप्रैल, चलिए मैं डेटा देख लेता हूं। यहां पे हमारे पास 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को चलिए देख लेते हैं। 12 अप्रैल शॉर्ट बिल्टअप, 13 अप्रैल शॉर्ट बिल्टअप, कितने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, 2,60,000, 4,27,000, तो 4,27,000 प्लस आपका 2,60,000। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑलरेडी एक दो, मतलब ये उनकी रेंज है, यहाँ पे ये वाली रेंज थी, ये वाली रेंज, देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से समझनी हो कि इसको मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ उसको समझिए और थोड़ा ट्राई करिए, बाकी और डिटेल में आपको समझना हो तो हर महीने मेरी बैचेस चलती रहती हैं, आप उसको ज्वाइन करके मुझसे बहुत अच्छे से इन डिटेल आप इसको सीख सकते हैं। ओके, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो पर मिल जाएगी, पहला वाला ही वीडियो है होम स्क्रीन पर, वो देख करके समझ जाएंगे कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, आप फिर ज्वाइन करके मुझे सीख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये जो लेवल था आपका, ये लेवल था 17,492, मतलब 500, और इसके ऊपर का लेवल में अगर मानो 17,702, तो 500 से लेकर के 702, मतलब ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, इसका रेंज है, इसका मतलब है यहाँ पे सप्लाई हुई, मतलब यहाँ पे शॉर्ट करा गया था, वहीं पे शॉर्ट किया गया था मार्केट जहाँ से आपका नीचे गया था, ये वाली रेंज। तो ये वाली रेंज क्या है, ये वाली रेंज है शॉर्ट जहाँ पे हुआ था सप्लाई, इसको हम समझ सकते हैं। तो यहीं पे लोगों ने सेल करना चालू किया था और फिर देखिए कंटिन्यू अपने डाउनफॉल देगा।
तो ये हो सकता है कि इसका अभी यहाँ पे कहाँ पे बैठ गया, अभी जो निफ्टी आ गई है, निफ्टी आ गई है एक एक तूफान में आ गई है। यहाँ से हो सकता है अगर बच के ऊपर निकलेगी तो फिर ऊपर चली जाएगी, जो कि जाएगा आपका सीधे सीधे 18,100-18,200 तक, और अगर उस तूफान को नहीं झेल पाती तो वो नीचे जाएगी। तो जहाँ भी जाएगी फिर आपको मैंने वीकली वाले वीडियो बनाए, तो आपका सीचे नीचे की तरफ बनेगा सपोर्ट। ओके, प्लस वो सब हम डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो चर्चा करेंगे। तो डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली पे हमें दिखाई देता है कि ये सप्लाई जोन है, और डेटा पे भी हमने देखा कि यहाँ पे सेलिंग हुई है 12 अप्रैल और 13 अप्रैल, शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप, तो यहाँ पे सेलिंग करी गई है। तो वहाँ पे हो सकता है कि अब अगेन सेलिंग आ सकती है। ओके, आ सकती है नहीं भी आ सकती वो डिपेंड करते हैं, बट हमने एक चीज़ समझी। अब हम इसको और आगे देखते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं 4 घंटे में, 4 घंटे में देखते हैं। तो 4 घंटे में जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सप्लाई जोन था उसको यहां पे बहुत अच्छे तरीके से इसने रिजेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट भी किया है। क्या किया है ये, इसने आपको जो मैंने 4 घंटे वाला सप्लाई जोन आपको बताया था, मतलब 4 घंटे का रेजिस्टेंस बताया था, उसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट भी किया और नीचे भी गया था, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट नीचे गया था मार्केट, लेकिन उसके बाद अभी ऊपर जा रहा है। तो 4 घंटे के हिसाब से देखें तो प्राइस आपकी बुलिश है। क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस के ऊपर जाकर के सस्टेन कर रही है। तो डेली पे तो और किस जोन में आ गए, डेली में वो 200 पॉइंट का जो जोन है वो है खतरे वाली घंटी, मतलब वो जोन ऐसा है कि अगर उसके ऊपर निकलेगी तो ऊपर निकल जाएगी और नहीं तो फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन डेली पे अगर हम देखें तो 200 पॉइंट का अगर हमें गैप मिलता है तो 200 पॉइंट का हम इधर उधर की रैली एंजॉय कर सकते हैं, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की तरफ। तो 4 घंटे पे भी हमें मिल रहा है क्या कि रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो थोड़ा सा यहाँ से 4 घंटे में बायस निकल कर रहा है ऊपर की तरफ। अब हम चलते हैं और इसके नीचे चलते हैं, 2 घंटे में देख लेते हैं। 2 घंटे में भी हमारा क्या है, सब कुछ बुलिस बुलिस ही नजर आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मुझे दिख रहा है वही जो 709 का जो जोन था वही, तो मतलब अभी अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो 709 तक तो जाएगा पक्का, अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो 709 तक जाएगा, बट निकलेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट जाएगा तो वो 709 तक ऊपर जा सकता है, ये पक्का है, लेकिन अगर वो नीचे भी आना चाहेगा तो नीचे कहाँ तक आएगा, तो आपका समझिए यहाँ पे नीचे आएगा तो वो यहाँ पे जो पुराना वाला रेंज था सपोर्ट जो बना था, जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था फिर ऊपर गया सपोर्ट बन गया, तो ये उसका एक सपोर्ट बन जाएगा, ये 2 घंटे का सपोर्ट है। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रेंज मिल गया पिछले कल के दिन के लिए 413-709, तो 300 पॉइंट की हमें रेंज मिल गई। ओके, अभी भी चीज़ें बाकी हैं, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद क्या सब हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो 2 घंटे भी हमें दिखाई दे रहा है कि भाई नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, जो डेली वाला भी रेजिस्टेंस है, और आपका ये 300 पॉइंट की हमें रेंज मिले। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रेंज हमें खेलना है इसी 300 पॉइंट के एरिया में, जैसे प्ले ग्राउंड होता है ना, प्ले ग्राउंड कैसा होता है, प्ले ग्राउंड आपका एक लिमिटेड होता है, आपको उसी के अंदर खेलना होता है। ओके, प्ले ग्राउंड में आपको उसी के अंदर खेलना होता है, आप उसके बाहर नहीं खेल सकते। तो यही आपका यहाँ पे अगर आपको खेलना है, चाहे ऊपर की तरफ खेलो चाहे नीचे की तरफ खेलो, तो यहाँ पे आपके पास 300 पॉइंट की रेंज है, इसी में मस्त खेलते रहो। ओके, अब चलते हैं आगे, हमें चलता हूँ 60 मिनट 1 घंटे पर देखते हैं, ठीक वही 1 घंटे में। तो 1 घंटे पर अगर आपका सपोर्ट निकल के आएगा तो ये वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है छोटा सा, देखो यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस था, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होते रहते हैं, 2 घंटे पे अलग था, दो ये 2 घंटे वाला था, ये 1 घंटे वाला है, तो डिपेंड करता है ना, जैसे बड़ा कोई सब तोड़े बड़ा बड़ी कोई डाउनफॉल आएगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे रिस्पेक्ट करेगा, छोटा कोई आएगा तो छोटे वाले टाइम फ्रेम पे करेगा, ये लॉजिक आप याद रखिए। अब आगे चलते हैं, ओके, तो 60 मिनट पे हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो हमें पता है ऊपर की तरफ 709 का हमारा टारगेट है। ओके, 560 अभी हम बैठे हैं, तो 140 पॉइंट का रास्ता ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो देखते हैं 140 पॉइंट हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अब मैं 15 मिनट पर आता हूँ, 30 मिनट को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा सपोर्ट क्या बनता है और हमारा रेजिस्टेंस क्या बनता है, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कल आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इस तरह के, ये आपका हो जाएगा एक 15 मिनट का सपोर्ट का एरिया। अगर आपका मार्केट ओके, अगर आपका मार्केट इसके ऊपर कहीं खुलता है ओके, यानी इस लाइन के ऊपर खुलता है और नीचे आता है, तो आपको यह ध्यान देना है कि वहां पे 1 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे अगर रिवर्सल दिखे तो आप बाई कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा सीधे सीधे इसका नीचे का, आपका स्टॉप लॉस होगा 17,488 है, तो 17,480 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो 17,480 का स्टॉप लॉस लेकर के आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। अब ये तो हो गया बाई, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और भी चीज़ें हैं, तो पहले हम समझते हैं बाई की तरफ। तो अगर मैं ऊपर जाता तो यही, क्योंकि इसको मैं क्यों बोला, ये देखिए आपका पूरा का पूरा सपोर्ट का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अब ये ऊपर चला गया तो रेजिस्टेंस टूट गया है, तो अब ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस का एरिया क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो अब अगर इस रेंज में आती है निफ्टी, कल ऊपर खुलती है यहाँ पे आती है, और आते ही नहीं करना है, आने के बाद
रिजेक्शन को देखना है। रिजेक्शन कैसे दिखेगा आपको? रिजेक्शन दिखेगा ऐसे, देखो नीचे आ गई, लेकिन ये आपका यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, फिर बुलिश कैंडल बनी, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। फिर नीचे आ गई, फिर देखो यहाँ पे भी रिएक्शन हुआ, मतलब ये नीचे नहीं जाना चाहते। ये एक बार इसने नीचे जाने से मना किया, एक बार इसने नीचे जाने से मना किया, मतलब कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, नीचे की तरफ नहीं जाऊँगी, मुझे ऊपर जाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे वैसे ही होगा, नीचे जाएगी तो यहाँ पे कोई आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, बुलिश रिवर्सल। ओके, तो वहाँ पे या फिर प्राइस अटक सकती है, फिर ऊपर जाएगी तो आप ट्रेड ले सकते हो बाई साइड की तरफ। अब अगर कल ऊपर खुल जाएगा मार्केट तब क्या करेंगे? ओके, कल हो सकता है कि ऊपर गैप अप खुल जाए, तो प्री मार्केट अभी बाकी है, देखते हैं क्या होता है, बट आप लोग देख लेना। अगर ये गैप अप खुल जाएगा, ओके गैप अप खुल जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि एक बार आपको थोड़ा 709 के आसपास जो आपका लेवल बन रहा है, 709 का, 700 कहाँ गया, 709 वाला लेवल है, वहाँ पे एक बार आप रिवर्सल देखने का ट्राई करो। रिवर्सल देखो सेलिंग की तरफ, किसकी तरफ? सेलिंग की तरफ। तो मैं 700 का यहाँ पे लेवल बना देता हूँ, ये 690, 725, 730, 715, यहाँ पे अगर गैप अप खुल जाए, ओके अगर यहाँ पे कहीं पे इसके ऊपर गैप अप खुल जाए, तो आप यहाँ पे रिवर्सल खोजना नीचे की तरफ, तो वहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लेना। ओके, अगर यहाँ पे खुलता है इसके बीच में, ऊपर खुलता है, तो आप यहाँ पे आकर बाई करोगे, और अगर गैप अप खुल गया ऊपर चला गया, तो वहाँ पे रिवर्सल खोजना। रिवर्सल कैसा होगा? वहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बनेगा, बेयरिश इंगल्फिंग बनेगा। ओके, इस तरीके से आपका बनेगा, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा सेल वाला ट्रेड ले सकते हो ये, क्योंकि वो जो जोन है ना, पूरा का पूरा जोन वही है। अब यहीं से डिसाइड होगा, यहीं पर अगर प्राइस ऊपर निकल गई तो फिर मार्केट आपका बुलिश है, और अगर यहाँ से प्राइस नीचे चले गए तो अगेन हम चले जाएंगे पीछे नीचे की तरफ। तो क्या होगा वो पता नहीं है, बट हम इसको सिर्फ अंदाजा लगा के चल सकते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर? या फिर हो सकता है कि कल को आपका ऊपर खुल जाए, डबल टॉप का पैटर्न बना करके नीचे आए, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, दो तीन टाइप के पैटर्न होते हैं। देखिए, एक होता है आपका मतलब बेयरिश रिवर्सल कैसे होगा भाई, अगर ऊपर गैप अप खुल गया, देखो बुलिश भी हो सकता है। ओके, कैसे आपको ट्रेड मिलेगा वो समझते हैं। तो 5 मिनट की जगह 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया, मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में कल क्या हो सकता है, यहाँ पे खुलेगा 700 का आपको लेवल पता है कि वो एक आपका फाइनल बॉर्डर है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर बुलिश बॉर्डर में चला जाए, मतलब बुलिश एरिया में चला जाएगा। अभी किस एरिया में? अभी एरिया है कंसोलिडेशन का, मतलब कंफ्यूजन का, मैं बोलता हूँ कंफ्यूजन का। अगर 700 के ऊपर सस्टेन होना चालू हुआ, 710-15, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे, ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आप ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकते हो, ये एक आपका प्राइस सेक्शन होगा। क्लियर? दूसरा, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, हाई नहीं तोड़ा, नीचे आया, तब आप सेल वाला ट्रेड ले सकते हो। तो आपके ये दो ट्रेड बन जाएंगे, ये आपका डबल टॉप का सेलिंग का ट्रेड बनेगा, ये आपका वी का रिवर्सल बनेगा, तो आपका ये बुलिश ब्रेकआउट का ट्रेड बनेगा ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो 700 के आसपास भी जाकर के आपको ट्रेड दे देना है। प्लस टेलीग्राम पे आप अपडेटेड रहोगे तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कल मैं लाइव मार्केट में आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, प्लस आफ्टर मार्केट वाला वीडियो तो आएगा ही। तो यही हमारी प्लानिंग होगी निफ्टी के लिए कल की। तो पहला, अगर ऊपर खुलेगा तो ये वाला पैटर्न हमें खोजना है, तो ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे। ओके, और अगर खुला ऊपर, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो डबल टॉप पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे हम सेल करेंगे, ये हमारा पैटर्न बनेगा। प्लस अगर इसके नीचे कहीं पे, मतलब यहाँ पे नीचे कहीं खुला और यहाँ पे आया, तो हम बाई करेंगे, लेकिन रिवर्सल को देख करके बाई करेंगे, बिना वैसे रिवर्सल को बाई नहीं करेंगे। और अगर ऊपर भी जाएगा तो 700 वाली हमारी रेंज है कि जहाँ से वो रिवर्स हो सकता है, तो हम उसको भी प्रिपेयर रखेंगे, हो सकता है कि हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करें। तो 140 पॉइंट के रेंज ऊपर की तरफ है, और अब इससे ऊपर भी जा सकती है। इससे ऊपर जाएगी तब जब शॉर्ट कवरिंग आएगी, स्ट्रांग तरीके से स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग आएगी तभी ऊपर जाएगी। और कैसे आएगी मैं आपको डेटा चार्ट पे, मतलब आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे अपडेटेड रहिए, तो आपको पता चलेगा। प्लस अगर मैं आपको डेटा थोड़ा सा बता दूँ, आज मैंने सिर्फ पहले चार्ट शुरू कर दिया, डेटा को भी बता देता हूँ। ओके, डेटा को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो पुट है आपका 17,500 के स्ट्राइक प्राइस में है, और कॉल जो है वो 17,600 के स्ट्राइक प्राइस में। तो आपने देखा कि कितनी जो रेंज है वो कितनी कंजेस्टेड रेंज है। ओके, और मैं भी मार्केट को लेकर के कंफ्यूज हूँ, क्योंकि डेटा कंफ्यूजिंग वाला है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए, आपका एक पहली बात तो यहीं पर रेंज मिल गई 100 पॉइंट की। अब क्या होगा, अगर कल कॉल में शॉर्ट कवरिंग गई तो ऊपर जाएगा, वो 700 की तरफ जाएगा। अगर पुट में शॉर्ट कवरिंग आई तो नीचे आएगा। तो दोनों में से देखेंगे कहाँ पे, आप इनको नोट करके रखो। जो कॉल में है ओआई आपका 45,38,000 है, और पुट का ओआई है 17,500 के स्ट्राइक में 52,65 है। यहाँ पे भी आपका देखिए 52,15 है और 80,17 है। तो यहाँ पे आप इसको नोट करिए। अब अगर कल ऊपर जाने लगेगी और कॉल का वाई नीचे गिरेगा और पुट का वाई बढ़ने लगेगा, तो आपका वहाँ पे क्या होगा,
सीधे सीधे समझो कि प्राइस और ऊपर जा सकती है, या आप लॉजिक समझो। तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज मिले, छोटी सी रेंज है, क्लियर। अब मैं आपको मेन डेटा दिखाता हूँ। मेन डेटा देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे FIIs DIIs हैं ये किस तरीके से, देखिए अभी तक जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे ना, इतने दिनों तक उनका जो शॉर्ट सेल था वो कम था। देखिए DIIs हमेशा सेल करते हैं, क्या करते हैं, DIIs हमेशा सेल करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, या फिर नहीं भी जा सकता, तो ये अपने आप को हेज कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है ये अपने आप को हेज करना चाहते हैं, ये बात समझिए। तो DIIs हमेशा हेज करते हैं, क्लियर। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब इसको बोलते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी रिटेल क्लाइंट, अभी तक इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, देख रहे ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब तक इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही मार्केट एकदम ऊपर पहुंच गया तब इनका इंटरेस्ट जग गया। तो जब भी ये बुलिश हो जाए तब आपको बेरिश हो जाना है। कुछ लोग बोलेंगे सर जी आप रिटेल के बारे में ऐसा बोल रहे हो, यस, जब जब ये रिटेल ट्रेडर बुलिश रहे ना तब आपको बेरिश बन जाना है, ये लॉजिक समझ लो। तो यहाँ पे ये लोग अभी बुलिश हो गए, तो ये इनको हमारा काम है बेरिश बन जाना। DIIs को अगर हम देखें तो DIIs, खैर इनको तो मैं दिखता ही नहीं हूँ, DIIs आपके क्या है, थोड़े से हेज कर रहे हैं, मतलब कि अपना शॉर्ट सेलिंग बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि अपना हेज कर रहे हैं पोर्टफोलियो। FIIs उनको पता है अंधों की तरह बाई कर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं और अपने आप को हेज भी कर रहे हैं, तो ये भी आपके बुलिश हैं। और ये जो हमारे प्रॉप डेस्क ट्रेडर हैं ये भी आपके क्या है, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ शॉर्ट हैं, तो ये आपके बुलिश हैं, ये थोड़े से डरे हुए हैं, ये थोड़े से डरे हुए हैं, तो हमारे इंडियन दोनों डरे हुए हैं, और ये जो गोरे हैं ये बुलिश हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन रखा है, क्लियर। प्लस अगर मैं इंडिविजुअल सबकी पोजीशन देख लूँ, तो FIIs ने क्या किया है, FIIs ने अपना लॉन्ग बढ़ाया है 6,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट, और ठीक उसी तरीके से 4,000 कॉन्ट्रैक्ट आपका शॉर्ट बढ़ाया है, तो इन्होंने भी क्या किया, थोड़ी सी सेफ्टी वाला गेम खेला है, क्लियर। अब मैं प्रॉप लिस्टेड की तरफ चलूँ, तो प्रॉप लिस्टेड ने क्या किया, आपका लॉन्ग कुछ नहीं बढ़ा है, शॉर्ट आपका बढ़ा दिया है 8,000 कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे, ओके। तो ये देखिए अब इसमें अगर हम देखें आपका इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ओके, कॉल लॉन्ग इंडेक्स का कॉल लॉन्ग किया इन्होंने ऊपर की तरफ के लिए हेजिंग करा है, और यहाँ पे पुट लॉन्ग किया है 71 का 87, ये समझो इन्होंने क्या किया है, पुट को बाई किया है। पुट को बाई करने का मतलब है कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा हेज किया हुआ है, या फिर इनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, दो में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है, इनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, दैट्स वाई इन्होंने शॉर्ट भी है, और ये अपने आप को क्या किए हैं, पुट लॉन्ग करके इनको नेकेड भी प्ले कर रहे हैं, तो ये हो सकता है नेकेड प्ले कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा हेज कर रखा है, तो ये लॉजिक हो सकता है दोनों में से तीनों, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे मैं स्टॉकेज यूज करके आपको दिखाता हूँ FIIs DIIs एक्टिविटी, ये देखिए आपका 5,330 करोड़ का तो सीधे सीधे पुट इंडेक्स का ऑप्शन बाइंग हुआ है, तो इंडेक्स का जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाता है ना, तो बाई होने का मतलब है कि वो अपने आप को हेज कर रहे हैं, मतलब जो सभी पार्टी चाहे FIIs हो चाहे DIIs हो, सभी पार्टीज अपने आप को हेज कर रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता है कि मार्केट किधर जाएगा, ओके। अभी तो आपको पता है कि FIIs भी मार्केट अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं, तो लॉजिक ये है कि दोनों कन्फ्यूजन, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन लिख रखा है। तो जिस तरीके से हमें प्राइस एक्शन मिलेगा हम उस तरीके से ट्रेड करेंगे, हम कोई गेस नहीं करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। ओके, तो हमने निफ्टी की बात कर ली, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी आपकी जो है थोड़ी सी बुलिश है, ओके। तो बैंक निफ्टी के हम बुलिश अगर है तो उसका फायदा भी उठाएंगे। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि आपका किस तरीके से ट्रेड बन सकता है, आपको सेल कब करना है, आपको सेलर बनना है सिर्फ इसके नीचे, आपको सेलर बनना है सिर्फ इसके नीचे, यानी इसके नीचे जाएगी तो आप सेल करोगे, ये इसका आपका टारगेट होगा। तो सेल सिर्फ इसके नीचे करना है, और इसके ऊपर अगर रही तो रिवर्सल में आया तो आप बाई करोगे, क्लियर। सेल करने के लिए आपका इसके नीचे, और अगर ऊपर गई, अब जैसे यहां पे लेट से कि यहां पे बीच में कहीं खुली, थोड़ा सा नीचे नहीं भी आई, ऊपर चली गई, तो यहां पे इसके ब्रेकआउट पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकआउट का ट्रेड, तो ये आपका, क्योंकि बैंक निफ्टी और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर बुलिश है, तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हो आपका बुलिश की तरफ, क्लियर। लेकिन सेल आपको सिर्फ इसके नीचे ही सेल करना है, इसके नीचे तो आपको पहले सेल नहीं करना, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी। आपका जो लेवल है ये आपका रेंज है 38,099, 38,102, तो मतलब 38,100 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होगी, 15 मिनट वाली दो तीन कैंडल, या फिर एक आध कैंडल, या फिर 5 मिनट की एक दो कैंडल, मतलब आपको पता चलना चाहिए, पहली बात तो क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि नीचे हो रही है, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, तो आपका पहला टारगेट होगा ये वाला। अदरवाइज आपको सेल नहीं करना जब तक इसके नीचे ना जाए, इसके ऊपर है मार्केट तब तक आपका समझिए कि बुलिश है बैंक निफ्टी, ये आप ट्रेड ले सकते हो। अभी कोई स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपका टाइटन की। टाइटन आपका देखिए थोड़ा सा बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है, तो कल अगर आपको ये
इस लाइन के नीचे कहीं ओपन मिले, इस लाइन के नीचे कहीं ओपन हो, ओके। और उसके बाद 5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो तो आप बाई कर सकते हैं, उसका लो स्टॉप लॉस होगा, आपका सीधे सीधे टारगेट होगा। अच्छा, अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो 2480 का पहला टारगेट आपका होगा, ओके। अब देखो वो कहाँ पे क्लोज होती है, वो डिपेंड करता है। तो आप ये पॉइंट करो कि जितने पॉइंट का आपका, जितने पॉइंट पे एंट्री होगी आपका, उसका दो, अपने स्टॉप लॉस का दोगुना होगा। मतलब समझो टारगेट, जैसे कि आपने 5 मिनट की कैंडल देखी और वो कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, तो क्लोज कहाँ पे हो रहा है, 2462 पे, तो आपकी एंट्री कहीं 6364 पे होगी, तो 63 पे आपका हो जाएगा एंट्री, 2463 पे आपकी एंट्री होगी। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 2447 का, ओके। तो देखते हैं हम क्या, कितना पॉइंट निकल के आता है, तो 63 - 47 16 पॉइंट निकल के आ रहा है। तो 16 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 32 पॉइंट का टारगेट। तो मैं किस में करूँगा, अपने ऐड कर दूंगा 2463 पे एंट्री, तो 2495 यानी 2500 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो आप 1:2 का भी प्ले करिए, और मैं राउंड फिगर भी बता रहा हूँ, तो 2500 का आपका टारगेट सीधे सीधे आ जाएगा, क्योंकि टाइटन थोड़ा सा बुलिश है, एफएमसीजी सेक्टर भी बुलिश है, ओके। ये हो गया टाइटन। अब अगला स्टॉक मैं देख लेता हूँ आपको, सीमेंस बहुत अच्छा स्टॉक है, अब सीमेंस कल अगर आपको मिल जाए इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो आप सीधे सीधे इसके ऊपर, लेकिन आपको यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेडिंग करनी है। 15 मिनट के कैंडल आपके अगर ऊपर क्लोज दे तब आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। 5 मिनट की क्लोजिंग पे मत जाना, 15 मिनट की क्लोजिंग होगी तभी ट्रेड करना और आप उसमें बाई करना, क्लियर। अगला एक दो स्टॉक देख लेता हूं मैं आपको, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर आपका अगर इसके ऊपर निकले, ये आपका रहा, एक घंटे के हिसाब से मैं ट्रेड दे रहा हूँ, आप इसमें स्विंग भी प्ले कर सकते हो। अगर ये आपका कल ओपन हो करके एक घंटे वाली कैंडल या फिर 5 मिनट के अगर ऊपर क्लोज होते तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर इसके ऊपर आपकी क्लोजिंग होगी, मतलब 334.30, तो 334.35 के ऊपर, 335 का लेवल मान लीजिए, 335 के ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो आप बाई कर सकते हो, उसमें आपका अच्छा ट्रेड बन सकता है बाई की साइड, ओके। तो सेल की साइड अभी मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बाई साइड की दे रहा हूँ ताकि आप उसको ट्रेड कर सको। और ये सब रूल्स पे ध्यान रखिए, और एक डिस्क्लेमर ये है कि आप जो भी ये देख रहे हो, समझ रहे हो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाई कर लोगे, आप खुद की एनालिसिस करोगे उसके बाद ही आप बाई करोगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट या लॉस की सिर्फ आपकी होगी। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये आपका चार्ट हायर हाई हायर पैटर्न बता रहा है कंटिन्यू, तो मतलब स्टॉक जो है बुलिश है, प्लस ये आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ तो ये नीचे आ गया, देखिए इसमें रेजिस्टेंस नीचे आ गया, फिर उसी जगह पे ये, तो 3 बार कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो रेजिस्टेंस आपका टूट जाएगा और वो बन जाएगा सपोर्ट, जो कि प्राइस को खुले आसमान की तरफ धकेल देगी। तो इसके पीछे के ये सब लॉजिक होते हैं, आप इसको ध्यान रखो और ट्रेड लो तो अपने रिस्क पे लो, अपने बिहाफ पे लो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।